विद्युत कर्मचारियों की 3 दिवसीय हड़ताल सरकार की सख्ती के बाद भी लगातार चल रही है। लखनऊ के सभी विद्युत उपकेंद्रों में अधिकतर सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर निकल चुके हैं और पूरी बागडोर संविदा कर्मियों ने उठा रखी है। राजधानी में हड़ताल पर बैठे विद्युत कर्मचारियों की संख्या बढ़ते बढ़ते करीब 1000 हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में 23 सालों बाद अब बिजली की हड़ताल की गई है। विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हड़ताल की बात कही थी वो आज कहीं ना कहीं जो धरातल पर है नजर आ रही है। आप तस्वीरें अभी आपने देखी कि किस तरह से लखनऊ में करीब 500 से 1000 के करीब जो विद्युत कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं और कहा जा रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 1 लाख कर्मचारी जो है वो आज हड़ताल पर है। कहीं ना कहीं जो है वो कहीं ना कहीं शहरों में जो बिजली है उसको भी बाधित कर दिया गया है और ऐसी समस्याएं भी लगातार बनी हुई है। हालांकि जो संविदा कर्मी हैं वो उपकेंद्रों में काम कर रहे हैं लेकिन जो सरकारी कर्मचारी हैं वो आप तस्वीरें देख रहे हैं कि हड़ताल पर बैठ चुके हैं और सरकार से अपनी जो मांगे हैं उनको लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है। और अब मंत्री जी ने जो ऊर्जा मंत्री हैं AK शर्मा उन्होंने भी कहा था कि रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी लेकिन उसके बावजूद भी जो सरकारी कर्मचारी है वो अब हड़ताल पर बैठ चुके हैं। लखनऊ में कम से कम 1000 के करीब जो है वो संख्या पहुंच चुकी है कर्मचारी को। लगातार नारेबाजी हो रही है और लगातार अपनी मांगों को लेकर विरोध जारी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इसको लेकर आगे क्या कुछ प्रक्रिया और रहती है। विजय शिवम के साथ SMBC न्यूज लखनऊ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMTNews।